बम विस्फोट के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सतर्कता और जांच। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हम लोगों को सवेरे पता चला कि वहां विस्फोट हो गया है और करीब 10 लोग मारे गए हैं, 40 लोग घायल भी हैं। तो इसको लेकर के यहां हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, एकदम चप्पे चप्पे पे पूरी पुलिस फैली हुई है और हम लोगों को भी, अधिवक्ताओं को भी सबको चेक करके कायदे से जो है तभी अंदर जाने दिया जा रहा है। आज हम लोग हाईकोर्ट आए तो जैसे ही समाचार सुने कि दिल्ली में विस्फोट हुआ तो यहाँ पहले ही देखे कि सुरक्षा व्यवस्था हाईकोर्ट में बढ़ा दी गई है, काफी फोर्स इकट्ठा थी, व्यवस्था तो बढ़ा दी गई है लेकिन ये कि हम लोग भी सशंकित हैं कि कहीं फिर ना ऐसा कोई घटना इलाहाबाद में भी ना हो। अर्जुन अवार्डी आशीष और डीके राठौर का इलाहाबाद में हुआ जमकर स्वागत। आपको क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसे इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, खाली मैं फील कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, ये जिमनास्टिक्स की फील्ड में पहला अवार्ड है। इस अवार्ड से जो मेरे बाकी और कोचेज साथी हैं वो लोग बहुत मोटिवेट होंगे कि इसके बाद हमारे को भी अवार्ड मिलेगा, कि एक हमने बिगनिंग कर दी। और जो इलाहाबाद में हम लोग मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे से ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं, बाकी कोचेज मेरे साथ लगे रहते हैं, कंधे से कंधे लाए काम करते हैं। सब जगह जो सारी खबरें छा रही हैं इसके लिए आप लोग भी बधाई बात करें। आज बड़ा खुश हूँ इसलिए क्योंकि अभी तक ये अर्जुन अवार्ड 7वां अवार्ड है। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिला और थोड़ा गम भी है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति के हाथ से आके लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है उस समय हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था लंदन में और उसके बाद हम लोगों का वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिशन था बेल्जियम में, तो उस कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन आने के बाद खेल मंत्री के हाथों मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप और आपके गुरु दोनों को साथ साथ मिला, इसमें आपको? नहीं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देखिए हर चीज़ में जब कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उसकी बात कुछ और होती है। अब ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट है कि पहली बात किसी एक स्पोर्ट से, एक एकेडमी से दो लोगों को अवार्ड मिला, वो भी अर्जुना और द्रोणाचार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने दिल्ली बम विस्फोट के विरोध में किया कार्यों का बहिष्कार। बात का विरोध किया और किस तरह से किया? आज प्रातः 10 बजे के आसपास जो दिल्ली हाई कोर्ट में आतंकवादियों द्वारा भीषण विस्फोट किया गया है जिससे मौके पर 7 लोग मरे हैं और अस्पताल जाते जाते 31 लोगों ने दम तोड़ दिया है, उसके विरोध में, आतंकवाद के विरोध में आज हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नेशनल हाईवे नंबर 2 पर चक्का जाम किया है। हम लोगों का यह चक्का जाम प्रातः 11 बजे से चल रहा है। विश्वासघात के विरोध में अमर समर्थकों ने फूका सोनिया गांधी का पुतला। हम तुम्हारे साथ हैं, हम अर्जुन से दर्द करो, हम तुम्हारे साथ।
मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक जो कांग्रेस सरकार ने अमर सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया, जो विश्वासघात किया, उसके उपलक्ष्य में हम कांग्रेस पार्टी का जो दो रूप है, जो एक चेहरा को दिखाने का और बताने का कुछ और, उसके विरोध में हम आज यहाँ उस सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार के कर्मचारी हितों के विपरीत नीतियों के विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना। चार साल के एक ब्लैक ईयर में LTC मिलती थी, उसका लीव इनकैशमेंट था, उसको CMD ने फ्रीज कर दिया 2 साल के लिए, और 4 साल का जो ये ऑल इंडिया की LTC थी उसे रोक दिया है।